मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा
तभी तो आज मेरी आंख में अश्कों की है रिमझिम, अश्कों की है रिमझिम। कोई बंदा तेरे दर पर जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। सवाल करूं तू रहीम भी है तू करीम भी है, रहीम भी है तू करीम भी है। मैं तो पस्त भी हूँ मैं हकीर भी हूँ, तू बुलंद भी है तू अजीम भी है, जो मैं झेल चुका वो बहुत है सदा। मुझे कर दे मुआफ अपने रसूले पाक के सदके, रसूले पाक के सदके। खताएं बख्श दे मेरी शहे लौलाक के सदके, शहे लौलाक के सदके। मेरे मालिक दुहारी है तुझे आले पयंबर की, रिहा कर दे गमों से कलबला की हाक के सदके, रिहा कर दे गमों से करबला की खाक के सदके। करबला की खाक के सदके, करबला की खाक के सदके, करबला। अंधेरों में मुझे ताबिंदगी दे दे मेरे मौला, नया मुझको शऊरे जिंदगी दे दे موسیقی کی دنیا کا وہ آفتاب استاد نصرت فتح علی خان، کروڑوں پرستاروں کی آنکھوں میں یادوں کے چراغ جلا کر اور کروڑوں کے دلوں میں اپنی یاد کی خوب جگا کر ہم سے دور بہت دور چلا گیا۔ मस्त मस्त
दम मस्त कलम दर मत इको वीर दे हदम दम अली अली इको वीर दे हदम दम अली अली सखी लाल कलम दर मस्त मस्त सखी लाल कलम दर मस्त मस्त लजपाल कलम दर मस्त मस्त दम मस्त कलम दर मस्त मस्त दम मस्त कलम दर मस्त की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है क्योंकि इसी साल उन्होंने इंग्लैंड डेनमार्क और नॉर्वे के बड़े बड़े हॉल्स में अपनी अनोखी और जादुई आवाज और मशरकी क्लासिकी अंत से परफॉर्मेंस देकर पूरे यूरोप पर यह साबित कर दिया कि वाकई वो एक लेजेंड है। साल बाद यानी 1985 में उन्होंने आर्ट और डांस के आलमी इदारे के सालाना फेस्टिवल में ताज हासिल की और इसी साल फ्रांस के आलमी शोहरत याफ्ता थिएटर डी ला वेला में गाकर आलमी मौसीकी के उफक पर अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। क्योंकि मौसीकी दुनिया भर में राइज मौसीकी की बुनियाद है। मेरा मतलब यह है कि अगर कोई फनकार मशरकी फन मौसीकी पर अबू रखता हो तो फिर वो दुनिया की हर मौसीकी पर अबू रखता है। वो दुनिया की हर मौसीकी में गा सकता है और उसमें कमाल पैदा कर सकता है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि मेरे वालिद साहब और ताया जान ने मुझे क्लासिकी मौसीकी की तालीम दी, इसलिए मुझे मौसीकी की किसी भी सिनफ में गाते हुए कोई मुश्किल पेश नहीं आती। फिर 1987 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी फनकाराना सलाहियत के इतराफ के तौर पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस यानी तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा और उसी साल वो जापान गए
और जापान के लोग उनकी परफॉर्मेंस से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्हें मौसीकी के महात्मा बुद्ध का खिताब दिया। और फिर 1993 तक जापान में होने वाले म्यूजिक फेस्टिवल्स में खान साहब का नाम सर्वश्रेष्ठ था। खान साहब नुसरत फतेह अली खान की जिंदगी का सबसे अहम साल था जब मशहूर मौसीकार पीटर गैब्रियल ने इंटरनेशनल फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट में नुसरत फतेह अली खान की आवाज को बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल किया। उसका लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। काबिल यकीन जैसे टाइटल्स दिए और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में नुसरत फतेह अली खान ने प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में म्यूजिक पर लाखों अमेरिकन्स को लेक्चर दिए। यूं 1995 तक उनकी शोहरत जर्मनी तक पहुंची और उन्हें जर्मनी में म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया। इसी साल उन्होंने बॉलीवुड की मशहूर फिल्म बैंडिट क्वीन की मौसीकी दी और हॉलीवुड की फिल्मों कलर्स और डेड मैन वॉकिंग में अपनी आवाज का जादू जगाकर हॉलीवुड को भी फतह कर दिया। नुसरत फतेह अली खान वाकई एक लेजेंड है। इसका सबूत यह है आदमी के साथ साथ दुनियाए फिल्म मौसीकी के नामवर लोग भी उनके मद्दाहों में शामिल हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गीत गाने वाली महान गायिका लता मंगेशकर ने कहा, जब मैंने नुसरत फतेह अली खान को सुना तो मुझे अंदाजा हुआ कि भगवान मेरे गले में नहीं खान साहब के गले में बोलता है। नामवर गजल गायक मेहदी हसन खान साहब ने खान साहब की मौत को एक बहुत बड़ा नुकसान करार दिया। गुलाम अली खान साहब का कहना है कि नुसरत फतेह अली खान 20वीं सदी के तानसेन हैं और क्लासिक की मौसीकी के उस्ताद सलामत अली खान ने कहा, ये खानदानी लोग हैं और इन्होंने जो काम किया है एक वेस्टर्न म्यूजिक को साथ मिलाया। मशहूर क्रिकेटर इमरान खान कहते हैं, मेरी नजर में नुसरत फतेह अली खान एक जीनियस है। वो चरखे की वो जो है चरखे का गाना वो मुझे बहुत पसंद है। अली खान के मद्दाहों में दुनिया की सबसे खूबसूरत खातून यानी मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या रॉय भी शामिल है। मिस वर्ल्ड बनने के बाद ऐश्वर्या को बहुत सी फिल्मों में काम करने के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स मिली मगर उन्होंने सिर्फ एक फिल्म में काम करने की हामी भरी क्योंकि उसका संगीत नुसरत फतेह अली खान ने तरतीब दिया था और इस फिल्म का नाम है और प्यार हो गया। एक ख्वाहिश पर ही
एक गाने की पिक्चराइजेशन में खान साहब को भी ऐश्वर्या के साथ गाते हुए दिखाया गया। कि 8 अगस्त 1997 को लाहौर में पाकिस्तान टेलीविजन के लिए अपना दिलकश गीत रिकॉर्ड करवाया और हंसते मुस्कुराते हुए लंदन के लिए रवाना हो गए। ये प्रोग्राम उनकी अनथक मेहनत और उनके जीनियस को एक खिराज तहसीन भी है और उनसे आखिरी गुफ्तगु भी। उस्ताद नुसरत फतेह अली का इंटरव्यू उनकी इलाज के लिए रवानगी से सिर्फ एक रोज कबल रिकॉर्ड किया गया था। जब आदमी ने कुछ नई बात पैदा करनी थी तो इसको रिस्क लेना पड़ता है, रवायत को थोड़ा सा उसको नज़रअंदाज करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये रवायत को एक तरफ रखते हुए ये मैंने काम किया, तजर्बे के तौर पर किया था कि हो सकता है इसमें मैं कामयाब हूँ, नाकाम भी हो सकता हूँ, मगर वो अल्लाह की मेहरबानी से वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो इसी तरह काफ़ी इसमें सोचा जा सकता है। मौसीकी में हमारी मौसीकी में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वहाँ अब तो मगरब वाले भी हमारी मौसीकी की तरफ काफ़ी मायल हो रहे हैं और काफ़ी गाना इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। जिंदगी 4 की मोहलत है, सबको बस एक जैसी उजरत है। जिंदगी 4 मोहलत है, जिंदगी 4 मोहलत है, सबको बस एक जैसी उजरत है। आज 16 अगस्त 1997 क्रैमवेल हॉस्पिटल में 11:55 पर तारीख का बहुत बड़ा हादसा हुआ है और क्रैमवेल अस्पताल में हर तरफ खलबली मची हुई है। हजारों लोग अस्पताल में दाखिल होने के लिए एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, हर आंख अश्क बहा रहे और अपने उस चहेते फनकार के आखिरी दीदार को बेकरार है जो मशरक और मगरब की एकता की निशानी था। मौसीकी की दुनिया का वो आफताब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान करोड़ों परस्तारों की आंखों में यादों के चराग जलाकर और करोड़ों के दिलों में अपनी याद की खूब जगाकर हमसे दूर, बहुत दूर चला गया। निजाम हस्ती चला रहा लिल्लाहे वाइन्ना इलैहि राजिऊं। निजाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, दिखा दीदी जो न दे नजर भी जो आ रहा है।
तू
चार बड़े ने
ਸਰ ਵਾਲ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਫ ਪੈਨਸਲਵੇਨੀਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਆਪਣੇ ਯੂ ਕੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਆਪਣੇ ਓਰੰਟੀਏ ਸਟਾਰ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੁਲਾਨ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਤਕਰੀਬ 'ਚ ਨੁਸਰਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬਰੁਕਲੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਕਨੇਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਿਠਾਈਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਸੁਬਹਾ 5-6 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ जी ये हमारा स्टूडियो में काम करते हुए मुझे खान साहब के अपने स्टूडियो में 1.5 साल हुआ काम करते हुए तो पहले मैं 5 साल से खान साहब के साथ काम कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम हाँ जी फर्स्ट टाइम मैंने खान साहब का लोए लोए आजमा ही वो रिकॉर्ड किया था उसके बाद खान साहब के अपने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग वगैरह की उनकी क्वालियाँ गीत गज़ल सारा कुछ और इंडियन फिल्म और प्यार हो गया के गाने भी किए हैं वो भी आपने जी उसके बाद ए आर रहमान उसके साथ उन्होंने बाहर के लोगों के साथ हमें काम करने की इजाज़त दी है और यहाँ रिकॉर्डिंग करवा के गए हैं जिनके शायर अख्तर हुसैन अख्तर साहब हैं आखिरी गाना मेरे हाथ में तेरा हाथ है टीवी की रिकॉर्डिंग करके आए हैं तो यहाँ पे आके उन्होंने गाना किया लास्ट टाइम में ये हाँ जी तो अभी गाने आपने सुनाया हमें ये पहली दफ़ा खान साहब को दिए हैं इससे पहले भी आप उनके साथ रहे हैं नहीं ताल्लुकात तो थे शुरू से ही अच्छा बल्कि जब से ये गाने की फील्ड में मैं आया हूँ तब से जानते बूझते थे लेकिन इतना करीब नहीं बैठे थे जितना जाने से चंद रोज़ पहले बैठना नसीब हुआ तो एक शायर होने की हैसियत से मैं काम तो बहुत से लोगों के साथ किया मैंने रेडियो किया टीवी किया थोड़ी बहुत फिल्म की और कैसेट्स तो बहुत किए मैंने लेकिन जो मज़ा जो करार दिल को रूह को आया खान साहब के साथ काम करने से तो फर्स्ट हैंड हम खान साहब के साथ बैठे हैं तकरीबन 11 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक काम करते रहे काम एक ही गाना हमने किया एक एक लफ्ज़ एक एक लाइन उन्होंने इतनी मेहनत और बड़े प्यार से की जिसमें थोड़ा बहुत भी फॉल्ट ना रहे तो जो जो शायरी भी इन टाइम ही हुई उसी वक्त करते रहे हम लोग वो जो आपकी दिली ख्वाहिश थी वो पूरी हुई वो दिनों में हुई तो है लेकिन वो एक हसरत जो रूह की बेकरारी जो थी ना वो
تشن کی دور نہیں ہو سکی کہ ایک لانگ ٹائم کام کرتے ان کے ساتھ, وہ ایک تمنا تھی وہ دل میں ہی رہی. لیکن یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے مجھے اتنا موقع دیا, مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ خان صاحب کے ہونٹوں پہ میرے لکھے ہوئے کلمات گونجیں اور لوگ سنیں, اور جس نے بھی سنا ہے بڑے اچھے الفاظ سے. اور اس میں حاجی صاحب کی بہت مہربانی ہے مجھ پہ, انہیں کے رحم و کرم پہ ہم لوگ یہاں کام کر رہے ہیں. ان کے بل بوتے ہیں ابھی ابھی ریلیز نہیں ہوئے. نہیں جی ابھی ریلیز نہیں ہوئے, بالکل ستمبر میں. ہاں یہ میرے خیال ستمبر کے وقت میں ہو جائیں گے. عاصم رانا صاحب سنائیں گے ہمیں وہ شعر گن گنا کر. یہ شام پھر نہیں آئے گی, یہ شام پھر نہیں آئے گی, کچھ نہ کہا تو کچھ نہ سنا تو یوں ہی ڈھل جائے گی یہ شام. یہ جو ابھی سنایا آپ کو تو انہوں نے داد دی تھی, کیسا سلوک کرتے تھے آپ کے ساتھ؟ بہت اچھا, بالکل بچوں کی طرح, بڑا شفقت سے بڑے پیار سے بولتے تھے ساروں کے ساتھ. ساتھ میرے دوست وغیرہ ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی, کبھی نہیں یہ شوق رہا کہ انہوں نے اتنے بڑے بندے ہیں. ان کے بارے میں کیا کہوں, میری اپنی روح کا ایک حصہ ہی ختم ہو گیا یہ سمجھ لیجیے. ان جیسی شخصیت کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے تھوڑا ہی ہے. ہمارے لوگ نے ایک بھائی سمان کے پیار محبت اتنا دیا انہوں نے کہ یقین نہیں ہوتا ہمیں تو کچھ ایسا بھی ہو گیا ہے. نصرت خان صاحب, نصرت فتح علی خان صاحب کا چہلم دیکھتے ہی دیکھتے اتنے دن گزر گئے اور ایک ایسی ہستی جدا ہو گئی جو نہ صرف موسیقی کی دنیا کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان تھی. خان صاحب نہ صرف بڑے فنکار تھے, بہت بڑے انسان بھی تھے. اور جو لگاؤ ان کو خدا اور اس کے رسول سے تھا, جو ایمان کی روشنی تھا صاحب کے دل پر تھی. میں نے پہلے بھی کہا ہے اور فنکشن میں کہ جو ایمان کی روشنی ان کے دل میں تھی وہی روشنی ان کے گلے سے چلا. خان صاحب ہم ان کے پیغمبر تھے, وہ نہ صرف ایک موسیقار تھے بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کے امباسڈر تھے مختلف ممالک اور ہمارے ملک کے درمیان. خدا انہیں جنت نصیب کرے, اور جہاں تک ان کا ادا ہے وہ پر تو شاید ہوگا لیکن مشکل سے ہوگا اور دیر سے. پاکستان کا انہوں نے چھوٹے ہی عرصے میں, تھوڑے ہی عرصے میں پاکستان کا اتنا نام روشن کیا کہ آج سارے ایشیا میں, بلکہ ایشیا کے علاوہ دوسرے بھی باقی ملکوں میں چپے چپے میں ان کا نام اور لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. پاکستان کے ساتھ ان کی شناخت تھی, اور انہوں نے جو دمست کلندر گایا وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باہر کے ملکوں میں, امریکہ میں, چائنا میں, جاپان میں, انگلینڈ میں, سب انڈیا میں چپے چپے پر لوگ اور آرٹسٹ گاتے رہتے ہیں. اور ان کا وجود جو اس دنیا سے گیا ہے, اللہ ہم سب لوگ اللہ کی امانت ہے, ہر انسان نے واپس جانا ہے. لیکن وہ چھوٹے ہی عرصے میں, تھوڑے ہی عرصے میں ہم سے جدا ہو گئے, جس کا ہمیں ہمارے دل کو دکھ ہے. اگر وہ پاکستان میں تھوڑی دیر اور رہتے تو اپنا نام اور بھی روشن کرتے اور لوگوں کے لیے مشعل راہ بنتے, موسیقی کے لیے مشعل راہ بنتے, جیسے کہ ہندوستان والے, ایشیا والے سارے اس کے پیچھے پاگل ہیں, امریکن بھی اس کے پیچھے پاگل تھے, جاپان والے بھی اس کے پیچھے پاگل تھے. وہ بہت مختلف انسان تھے, اور داتا صاحب پہ جب وہ قوالیاں گاتے تھے وہ ایسے لگتا تھا جیسے داتا صاحب کے مجاور ہیں, اور ان کے شکل پر اتنی سادگی تھی, میں نے آج تک ایسی سادگی کسی فنکار کے چہرے پر نہیں دیکھی. اللہ کو جنت میں جگہ دے, میری دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان پہ جو ایک مہربانی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ دکھ کی عمر کم ہوتی ہے. آج اس بہت بڑے صدمے کو جو نصرت فتح علی خان کی وفات صورت میں اس ملک کو اور اس ملک کے فنکاروں کو اور اس ملک کے فن کو ملا تھا, 40 دن گزر گئے. آج ان کے شاگرد اور ان کے بھتیجے کی دستار بندی بھی ہے.
दुख पुराना होना शुरू हो गया लेकिन ये खला कभी पूरा नहीं होगा। आंसू जरूर कम होते जाएंगे लेकिन ये कमी पूरी नहीं हो सकेगी। अब यही एक दुआ है अल्लाह ताला से कि उनकी रिप्लेसमेंट में उनके खानवादे से ही कोई उन जैसी आवाज़, कोई उन जैसा गुनी फनकार, कोई उन जैसा और समंदर मौसीकी का अगर हमारे मुल्क को मिल जाए तो हमारी तौकीर में जो इजाफा हुआ था वो बरकरार रह सके। उनकी मगफिरत के लिए दुआ करूँ।